स्वागत है दोस्तों आप लोग का आपका यूट्यूब चैनल संदीप कुमार 99 में। आज हम लोग एग्जाम हुआ था सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का SHR का एग्जाम हुआ था 4/6/2022 को, जिसमें इलेक्ट्रिशियन बी का एग्जाम 4 तारीख को हुआ था, जिसका हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन में टोटल क्वेश्चन कितना पूछा था। तो आप लोग कम बता दें कि टोटल क्वेश्चन की संख्या जो था 80 था। कितना था? 80 था। पहले जिस प्रकार से टेक्निकल वी का एग्जाम जो होता था उसमें 50 क्वेश्चन रहता था नॉन टेक और 50 रहता था टेक्निकल, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया था। टोटल का टोटल क्वेश्चन 80 दिया गया था, जिसमें नॉन टेक की अगर बात किया जाए तो एक आध दो नॉन टेक था, बाकी टोटल का टोटल बात किया जाए वो टेक्निकल का क्वेश्चन था। तो आज देखेंगे कि सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में जो पूछा गया क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन से संबंधित, वो कौन सा क्वेश्चन और कैसा कैसा क्वेश्चन और किस चैप्टर से पूछा गया है। तो आइए हम लोग आज क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन था कि ट्रांसफार्मर में ऑयल का क्या काम है। पहला क्वेश्चन क्या था कि ट्रांसफार्मर में ऑयल का क्या काम है, ऑयल का क्या काम है ट्रांसफार्मर, जब हम लोग ऑयल तेल का उपयोग करते हैं उसमें क्या उसका काम है। हम लोग जानते हैं कि इसको कूलिंग के लिए उपयोग किया जाता है, ठंडा करने के लिए, यानी ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने के लिए काम किया जाता है। एक और क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था कि AC के तुलना में DC मोटर का क्या फायदा है। क्या क्वेश्चन था? AC मोटर के तुलना में, AC मोटर की तुलना में DC मोटर का क्या फायदा है, क्या फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चौथा नंबर कि प्रेरण मोटर, जो मोटर आप लोग पढ़ते हैं प्रेरण मोटर, तो उसको से संबंधित प्रेरण मोटर। देखिए क्वेश्चन काफी लंबे लंबे थे, इसको हम शॉर्ट में करके लाए हैं। तो प्रेरण मोटर से क्वेश्चन पूछा था, पूरा क्वेश्चन बहुत बड़ा था, वहां से इतना याद नहीं रह पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सारे लोग को पता चल सके जो टेक्निकल का तैयारी कर रहे हैं कि किस प्रकार से अब क्वेश्चन पूछ रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग इतना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि सारे लोग को पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आता प्राइमरी टॉर्क अधिक किसका होता है, प्राइमरी टॉर्क क्या है, प्राइमरी टॉर्क अधिक किसका होता है। यहाँ पे मोटर का नाम दिया गया था, उसमें पूछा गया था कि किसका, किस मोटर का प्राइमरी टॉर्क अधिक होता है। एक और क्वेश्चन था इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए एनआई कोल्ड सेल में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन काफी लंबे लंबे थे, लेकिन उसमें से शॉर्ट करके आप लोग लाए हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 7 नंबर, वह क्वेश्चन था भारत में विद्युत आपूर्ति करने के लिए सबसे अधिक लघु परिपथ भेजा जाता है वो कितना होता है। क्या कहता है कि भारत में विद्युत परिपथ, विद्युत आपूर्ति करने के लिए सबसे अधिक लघु परिपथ भेजा जाता है। यहां से क्वेश्चन ये था। चलिए आगे देखते हैं
टोटल क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, उसमें जो 80 क्वेश्चन दिया था तो 80 का 80 क्वेश्चन तो संभव नहीं हो सकता, लेकिन हाँ उसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लाए हैं। देखिएगा आगे, देखिए आगे बताते हैं और क्या क्या क्वेश्चन था। जितना भी टेक्निकल का एग्जाम होता है अधिकतर का हम यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के दिखाते हैं कि कैसा कैसा वहाँ पे क्वेश्चन की पूछा जाता है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को भी बहुत मदद मिलेगा इसको कि कैसा कैसा क्वेश्चन हर एक जगह पूछा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि सिरोपरि लाइन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, सिरोपरि क्या, सिरोपरि लाइन क्या है, सिरोपरि लाइन क्या है उसके बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रोस्ट्रेटिक इफेक्ट क्या है, क्या पूछा गया था, प्रोस्ट्रेटिक इफेक्ट क्या है इसके बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोरोना संबंधित है, कोरोना किसको से संबंधित है, कोरोना संबंधित है, ये कोरोना बीमारी वाला कोरोना नहीं था। आप लोग पढ़े हैं जो कोरोना हमिंग के आवाज जो आता है वहां पे कोरोना कहा जाता है, जब बड़े बड़े जो लाइन जब गुजरती है उसमें से जो हमिंग वाली आवाज निकलती है उसी को कोरोना कहा जाता है। तो उसी से संबंधित पूछा गया था, कोरोना संबंधित है किसको से संबंधित है। ठीक है आगे बात करते हैं कि एक और क्वेश्चन था IP54 दर्शाता है किसको दर्शाता है, IP54 दर्शाता है किसे, IP54 दर्शाता है। ठीक है ये क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का, मैथ का भी एक क्वेश्चन इसमें था। वह क्वेश्चन क्या था कि देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन था, एक त्रिभुज था जिसमें एक एंगल ए था, सी था और बी था, और यहाँ पे फाई का मान दिया हुआ था। इसमें से पूछ रहा था साइन फाई का वैल्यू पूछ रहा था, साइन फाई का यहाँ पे वैल्यू मांगा था और यहाँ पे फाई ए डिग्री बनाया था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन था संधारित्र को अनावेशित करना चाहिए किससे, संधारित्र को किसको, संधारित्र को अनावेशित करना चाहिए, संधारित्र को अनावेशित करना चाहिए किसको से, यही क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था पीवीसी के तार के बारे में था, ये क्वेश्चन क्या था, पीवीसी तार के बारे में कि कितना एमएम का तार लगता है, पीवीसी जो तार हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो कितना एमएम का तार होता है। ठीक है आगे था क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था घरेलू वायरिंग में सीलिंग फैन का पॉइंट के बारे में था, क्या था, घरेलू वायरिंग में सीलिंग फैन को पॉइंट किया जाता है, कितने ऊंचाई पे सीलिंग फैन का जो पॉइंट यूज करते हैं वो कितने ऊंचाई पे किया जाता है इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, चैनल को अगर जो नया कोई है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, जो भी टेक्निकल का एग्जाम देता है तैयारी करता है उनके पास ये वीडियो जरूर होना चाहिए ताकि उन लोग को पता चल सके कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है, क्या, अंगूठा दर्शाता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है, इस प्रकार जो किया जाता है उसमें अंगूठा जो है किसको दर्शाता है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेगुलेटर के मूल्य घटक क्या है, रेगुलेटर जो बनाया जाता है, रेगुलेटर के मूल्य घटक क्या है, रेगुलेटर जो बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है, प्रतिरोध का
प्रति रोध का व्युत्क्रम क्या है, यानी कि प्रतिरोध का उल्टा क्या है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉगन एवं कॉलिंग के घटना संबंधित है। कॉगन एवं कॉलिंग की घटना संबंधित है। कॉगन एवं कॉलिंग की घटना किसको से संबंधित है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया था, एक क्वेश्चन और दिया गया था, वो क्वेश्चन था एल्यूमिनियम की तुलना में तांबा का प्रतिरोध कैसा है। तांबा का प्रतिरोध कैसा है, एल्यूमिनियम के तुलना में तांबा का जो प्रतिरोध होता है वो कैसा है, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। एक और क्वेश्चन था, डीसी शंट मोटर का टॉर्क संबंधित क्या है। डीसी शंट मोटर का टॉर्क से संबंधित एक क्वेश्चन था, ठीक है। डीसी शंट मोटर से संबंधित एक प्रश्न दिया गया था कि डीसी शंट मोटर कैसे काम करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था स्लिप रिंग बना होता है। तो अभी हम लोग देखें 20 से 25 क्वेश्चन देखें यहाँ पे कि क्या क्या क्वेश्चन था, ठीक है। टोटल का टोटल 80 क्वेश्चन पूछा था। कितना पूछा था, 80 क्वेश्चन पूछा था। तो 80 क्वेश्चन लाना मुश्किल की बात है, उतना ज्यादा आप लोग को याद नहीं रहेगा और हमको भी याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको जो मिला है लड़कन के द्वारा, वो क्वेश्चन ये था, इतना ही क्वेश्चन हमको मिल पाया। अगर जो और कहीं पे क्वेश्चन मिलता है तो उसको हम आप लोग के पास लाएंगे, इसके अलावा जो क्वेश्चन रहेगा। अगर इसका सलूशन चाहिए कि सर टोटल क्वेश्चन जो है उसका सलूशन कर दीजिए, तो सलूशन के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आप लोग का सलूशन चाहिए, या फिर अपने से आप लोग सलूशन कर लीजिएगा। अगर जो अपने से आप लोग सलूशन कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग कहिएगा तो हम सलूशन भी यहाँ पे आप लोग के लिए ला देंगे, ठीक है। सलूशन यहाँ टोटल क्वेश्चन का कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार के वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और टोटल लड़कन के पास भेजिए जो भी इसका तैयारी करते हैं। धन्यवाद।